दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अच्छा राधे बताओ, अगर मैं कृष्ण ना होकर वृक्ष होता तब तुम क्या करती? श्री राधे ने अपने गुस्से को ठंडा करते हुए कहा, तब मैं लता बनकर तुम्हारे चारों ओर लिपटी रहती। कृष्ण ने राधे को मनाने वाली बच्चों की मुस्कान देकर कहा, और अगर मैं यमुना नदी होता तो? तब श्री राधे ने उत्तर दिया, तब मैं लहर बनकर तुम्हारे साथ बहती रहती, श्याम सुंदर। श्री राधे का गुलाबी रंग वापस लौट आया। वे ठुड्डी के नीचे अपना हाथ रखकर अगले प्रश्न की प्रतीक्षा करने लगे। तभी कृष्ण निकट घास चरती एक गौ की ओर संकेत करके बोले, अच्छा यदि मैं उसकी तरह गौ होता तो तुम क्या करती? श्री राधा कान्हा जी के गाल खींचती हुई बोली, तब तो मैं घंटी बनकर आपके गले में झूमती रहती, परंतु आपका पीछा नहीं छोड़ती। फिर अगले कुछ पलों तक वहाँ शांति छा गई। केवल यमुना की लहरें और मोर की आवाज़ें ही सुनाई दे रही थी। श्री राधे ने भी चुप्पी तोड़ते हुए कान्हा से पूछा, क्या आप मुझसे कितना प्रेम करते हो मेरे प्राणनाथ? मेरा तात्पर्य, यदि हमारे प्रेम को अमर करने के लिए कोई वचन देना हो तो आप क्या वचन दोगे? तब श्री कृष्ण ने राधे के हर कमलों को स्पर्श करते हुए कहा, मैं तुम्हारे से इतना प्रेम करता हूँ राधे, कि जो भी भक्त तुम्हें स्मरण करके राज शब्द बोलेगा, उसी पल मैं उसे अपनी अविरल भक्ति प्रदान कर दूंगा, और पूरा राधे बोलते ही मैं स्वयं उसके पीछे पीछे चल दूंगा। श्री राधे ने अपने नैनों के प्रेम में अश्रु भरकर कहा, और मैं आज वचन देती हूँ कान्हा, मेरे भक्त को कुछ बोलने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जहाँ भी जिस किसी के हृदय में आपके लिए, आपके नाम के प्रति सच्चा प्रेम होगा, मैं स्वयं जमरन आपको लेकर उसके पीछे चल दूंगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।